भाइयों राम राम, राम राम, राम राम बशर, राम राम जी। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में मायना गांव में भाई, और मेरा नाम सभी जानते हैं सुरेश रोहिला, गांव ब्राण तहसील में जिला रोहतक। और मायना गांव में महाशय दयाचंद जी एक प्रसिद्ध भजनी हुए हैं, उनके सुपुत्र। आपका शुभ नाम? सुनील कुमार। सुनील कुमार भाई, इसमें है 22 किस्से। 22 हैं, 21 हैं, 21 किस्से हैं, और फुटकट रागनी आगे तो ओढ़े नहीं। तो भाई हमने ये विचार किया है, एक बार तो बात बाता में पूरा किस्सा कोई का दी रागनी आ जा कर लिया जा, अलग बात है, और फिर साज को प्रगा कर। ये प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी, एक साल में पूरी हो, दो साल में हो गई, क्योंकि बाकी कवियों को तो गाने वाले सुनने वाले बेगन तार दिया कति, वो न्यू निकाह रहे हैं, उठा दिए उठा दिए। जो चीज़ बच रही है ना, चाहे वह पंडित नंदलाल की है, चाहे माई राम की है, और चाहे रामकृष्ण व्यास की है, चाहे दाचंद की है, बची हुई चीज़ ने समेटा है भाई। बिल्कुल। हाँ, तो मासी जी आज कौन सा किस्सा लोगे? आज श्री कारण। श्री कारण, चलो बताओ इसकी वार्ता। श्री कारण कैसे बनता है? श्री का एक लड़की का नाम था, और अरण चोरी को कहते हैं, उसका अपहरण किया गया था। सुना जाता है जब के दोनों भाई करो और पांडव न्यारे न्यारे हो जाते हैं। पांडव ने अपनी एक धर्म की कमाई से बड़ा आलीशान मकान बनाया। उस मकान का नक्शा अखबारों द्वारा, इस्तारों द्वारा पूरे भारत में पहुंचा दिया जाता है। वो एक पर्चा घूमता घूमता लड़की सुरेखा के हाथ लग जाता है। वह उस पर्चे को पढ़कर अपनी माँ के पास आई, हे माँ ये इस्तार पढ़ो। ठीक है बेटी, आप पढ़ के सुना दो। कहती है कि माँ कहो ना, आप एक मकान बनाया है, उसका बहुत जबरदस्त मेला भर गया है, उस मेले में घूम कर आऊंगी। अब ठीक है बेटी, तेरे चाचा कृष्ण जी और तेरे पिता बलराम और हम साथ में सारे इकट्ठे चलेंगे। वहाँ आ जाते हैं, मेला भरा हुआ था। लड़की उसकी सखी से निकलने लगी के बेबे चलो मेला घूम लिया, अब नहीं मेला बाद में घूमेंगी, पहले मकान को देखेंगे। अच्छा, मकान को देख कर और उन्हें जयकारा लगाया, जय हो पांडवों की। जयकारे की आवाज को सुनकर, पांडवों का नाम सुनकर दुर्योधन की देह में आग लाई। यहाँ कर्ण देख कर मकान को उन्होंने अपना शुरू कर दिया गाना बजाना। लड़की क्या बोली? लड़की की माता के पास वहाँ आने के, हे माता पर्चे को पढ़ के और मेरी बात सुन। हेरे हस्तनापुर में मेला से आज दुनिया सारी का
खनन जी कर सुरेखा राजकुमारी का हस्तनापुर में मेला से आज दुनिया सारी का अरे देखन जी कर सुरेखा राजकुमारी का खर्चे खातर रकम गाल दे बटुए के मदाम अड़ी भीड़ में पैसा सद वक्त पड़े पकाम अड़ी भीड़ में पैसा सद वक्त पड़े पकाम अच्छी तरिया अंत जामरी अच्छी तरिया इंतजाम कर दे सवारी का देखन जी कर सुरेखा राजकुमारी का एरी ऊंची पुदमी पांडों की दुनिया में काम मिसाल प्रजा बैठ करेगी उनके हीरे मोती लाल प्रजा बैठ करेगी उनके तीरे मोतीला इंतजाम से चाल मामला इंतजाम से चाल मामला से रिश्तेदारी का देखने जी कर सुरेखा राजकुमारी का नापुर में मेला से आज दुनिया सारी का और देखन जी कर सुरेखा राजकुमारी का माजद आचन जी क्या बात है पर और मन सुना सके आवेंगे उड़ बड़े बड़े भूपन रे प्यारा ते फेटन का मौका मिलता नहीं हमें प्यारा ते फेटन का मौका मिलता नहीं हमें अरे सुनिया वे उपदेश उड़ी सुनिया मैं उपदेश उड़ दया चंद प्रचारी का ओ देखन जी कर सुरेखा राजकुमारी का हस्तनापुर में मेला से आज दुनिया सारी का देखन जी कर सुरेखा राजकुमारी का भाइयों चेहरे से हमारी उमंग को देखना कितनी उमंग है चेहरे में देखिए उमंग मासी जी या सुरेखा कौन थी राजा बलराम की लड़की थी ये सुरेखा बलराम की लड़की थी हाँ जी क्या बोली फिर बस वहाँ आके और कहने लगी कि बेबे मेरा नाला बाट में घूमांगी पहले मकान घूमांगी मकान में जाके और देखा न्यारी न्यारी तरह के हर नमूने बने हुए थे
कहीं के मन लग जा, कहीं के मन लग जा। क्या बात है, देखते उन्हें जयकारा लगाया कि जय हो पांडवों की। कैसे जाकर जयकारा लगाया तेरे जो थल गई आन दे हे पांडवान पांडवान यो मैल बनाया है सखी दुनिया तनक सा न्यारा दुनिया से नुकसान ए पांडवान पांडवान मैल बनाया दुनिया से नुकसान दुनिया से नुकसान। ए चंद्रमा और सूरज दोनों मैल के अगाड़ी सकी पश्चिम में अंधेरा पड़ा बावन की पिछाड़ी सकी संगमरमर के खंभ सारे चंदन की केवाड़ी सकी नल के नाली ओदे जल के आंगण में फूले बाड़ी सकी ए नल के नाली ओदे जल के आंगण में फूले बाड़ी सकी ए किसा सुंदर किसा सुंदर चमन खिलाया सखी चकुटा और गोलदारा चकुटा और गोलदारा ए पांडवान पांडवान मैल बनाया सकी दुनिया से नुकसान ए चुने और सफेदी के माँ शमट का दी मेल हो जा टीप और लपाई के संग खसबोई का तेल हो जा पांच धात का फर्श मैल में सारा काम खेल हो जा देख सारा काम खेल हो जा छापा ओरे चटेरा छापा ये देखनिया खेल हो जा छापा ओरे चटेरा देखनिया खेल हो ये देखण मे खण मैं आनंद आया है सखी कारीगर का खेल सारा कारीगर का खेल सारा ए पांडवान मैल बनाया है सखी दुनिया से नुकसान भाई नू की नू कोई तरज ने तार देगा मान जाएगा मैना साहब की तरज ने गोड़ मथोल करके गावे सजावट सजावट की
खतर सुंदर पत्थर की घड़ाई होरी दरवाजे के ऊपर अठी शेर की लड़ाई होरी ए दरवाजे के ऊपर अठी शेर की लड़ाई होरी ए हीरे मोती और लल्ला की छाट में जड़ाई होरी देख के भवन का नक्शा उन पांडों की बढ़ाई होरी देख के भवन का नक्शा उन पांडों की बढ़ाई होरी ए शरी के संग शरी कृष्ण जी की माया है सखी दरवाजे नो चौंक अठारा दरवाजे नो चौंक अठारा ए पांडवान मैल बनाया है सखी दुनियात नक्शा न्यारा दुनियात नक्शा न्यारा चौगर देखी खाई खुद के कोठे की चौबंदी होगी दुनिया की इमारत सारी है इसे आगे शर्मंदी होगी शुद्ध मंत्र पुन दान हवन से दूर हवा गंदी होगी पांडवा के दर्शन करके इस पर जाने आनंदी होगी पांडवा के दर्शन करके इस पर जाने आनंदी होगी ए दया चंद दया दया चंद न भारत गाया हे सखी मुसुर का बोल प्यारा मीठे सुर का बोल प्यारा ए पांडवान मैल बनाया है सखी दुनिया से नक्शा न्यारा दुनिया से नक्शा हो चले जाना नहीं चले जाना नहीं मिला के सैया बिदर दी सैया बिदर ये बाजू बावरा फिल्म हाँ माशा जी महल देख लिया महल देख के लड़की आ जाती है उधर दुर्योधन का आग लग गई कि भाई इस मेले को तो टेढ़ी बीड़ी कर दिया जाए एक हाथी को मदरा पिला दिया और वो मेले में छोड़ दिया काफी आदमी यों को चोट लगा मार दी काफी कुचल कर मार दिए अब अभिमनु ने देखा हको ये तुम्हारे बड़े के किए कर्म को किसने नष्ट भ्रष्ट करना चाहा वो लड़का अभिमन्यु जाकर उसकी सूंड के लपेट जाता है हाथी ने खूब तबाही मचाई और उसने सोचा आकि इस लड़के को चीर कर फकेल ले लेकिन नहीं वो सूंड के पिलता रहा आखिर कार हाथी पसीनम पसीना होकर लड़के के कदमों में शीश झुका देता है
और वो सूंड को पकड़ कर और अट्ठी ने डूब छोड़ने के लिए जाता है मेले से बाहर। वहां लड़की सुरेखा अपने महल पर बैठी हुई थी, उसने देखा ओहो ईसा पति के मिल रहे कोई योद्धा योद्धा फूल वापस मेला फिर जाता है। और जय हो पांडव की, जय हो अब मनु की, इस तरह जयकारी लगाते हुए वो हाथी को खींच कर ले जा रहा था। अब लड़की ने भी सोचा अब तो भी फूल फेंक दे, और क्या भावना में कि तेरा पति यो ही होना चाहिए। संकल्प ले लिया, संकल्प ले लिया। क्या कैसे बिलबलाहट करया अग्नि आ गया। वो चौबारे पे बैठी हो बेटी बलराम के हाथ कमारा रटना कृष्ण जी के नाम की चौबारे पर बैठी हो बेटी बलराम के हाथ कमारा रटना कृष्ण जी के नाम की। ओ जग में खेल खिलारी सारी कृष्ण की माया के दम लेके जागा बंदे तू के लेके आया। ओम भजन बन सुनी काया ओम भजन बन सुनी काया आड़ चाम की हाथ कमा माला रटना कृष्ण जी के नाम की चौबारे पर बैठी हो बेटी बलराम हाथ कमा माला रटना कृष्ण जी के नाम की। अमित एक बोले और का नाम ओ बन कृष्ण का दास रे मन आस वो पूरी बिगड़े काम समर जा भर जा दन की मिल जागी मजदूरी तेरे मिल जागी मजदूरी तेरे किए काम की हाथ कमा माला रटना कृष्ण जी के नाम की चौबारे पर बैठी हो बेटी बलराम के हाथ के ममार आए लिए बिचारे जाके दुर्योधन अपने मामा सुग्नी के पास जाता है। कहने लगा मामा मेरा एक काम कर दे, आकर काम के बनजे एक की बजाय दो करवा ले। बोल क्या चाहिए? कहा पैसे करो धर्मपुत्र को बुलवाओ और कुछ छड़का खेल करो। ठीक है बनजे श्रीमानो वहाँ
पुलिस्टर को बुलाया जाता है, जुए में उनका राज दास सब कुछ अर्प कर देते हैं। नौ जाकर और दुर्योधन एकदम वहाँ से काम हो जाता है। होने के बाद में कहता है कि वहाँ चिट्ठी लिख दो जो कि राजा बलराम के पास चिट्ठी लगता है। अरे भाई बलराम, ऐसे परिवार में देना लड़की बहुत शर्म की बात है। अब सगाई आने का और गा का मारा है मनोज, एकदम वो तो अपने राजताज को भी जुए में हड़प करके और आज दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। बस एकदम उसके बेटे दुश्मन सिंह के नाम टीका भेज देता है के मारा कर दे। हाँ मारा कर दे, उड़े टाल कर दे और मारा कर दे। मारा कर लक्ष्मण किसका था? दुर्योधन का। दुर्योधन का लक्ष्मण सिंह। दुर्योधन अजय लक्ष्मण सिंह का करवावा है। बस अब बाकी जो परिवार था, तीन भाई पांचों भाई, एक उनकी रानी द्रौपदी 13 साल के लिए वनवास का दशोत्ता दिया जाता है और बाकी परिवार था वो उनका गुलाम बनकर रहने लग जाता है। उनकी नौकरी चाकरी कर रहा था, सेवा कर रहा था, बाकी का परिवार बस वो गीत लागे गान वीर बनी तो अब भाज का अभी मनु आया। अगर भाई क्या शोर शराबा ये, अगर शोर शराबा नहीं पकड़े मेरी शादी होगी। शादी होगी किसके साथ? सुरेखा के साथ। भाई सुरेखा के साथ? अच्छा तो मैं भी चलूंगा भाई बरात में। तू क्यों नहीं चलेगा? तू पहले चला। पुरानी बात का बेरा नहीं, एक मांग है। पुरानी बात का नहीं पता। ठीक है भाई मैं भी चलूंगा। ठीक से जाओ अपनी माँ को कह दो अपने कपड़े उपड़े बनवा लें। वो अपनी माँ को बताता है जा अभिमन्यु अपनी माँ के पास जाता है और वो देखा उसने तो उसकी माँ एक कोने में सर देकर रोने लगी। अरे माँ आज हमारे घर में शादी खुशी का दिन है, तू रोई क्यों? अकरे बेटा के बुझ जगह बस राम जी अब ना बता, बतानी पड़ेगी। वहां से यहाँ भी गाना है उसकी माँ का जवाब है। वो आप एक राग नहीं है वही पड़ी सूरलाल गाल सुना था मेरी जिन्हें लक्ष्मण सिंह ब्याह मान से वही पड़ी सु घायल लाल के बात सुनेगा मेरी जिन्हें लक्ष्मण सिंह ब्याह दास मांग से तेरी। एक दिन हस्तिनापुर में तेरे पिता न महल बना था, कृष्ण और बलराम साथ में सुरेखा ने भी लिया था, कैरों का खुनी अच्छी तन पकड़ सुंड घुमाया था, उस दिन सती सुरेखा ने तेरे ऊपर फूल चढ़ाया था। अरे बरक बचना हर जा दुनिया से बेईमान लुटेरी जिन्हें लक्ष्मण सिंह ब्यावन जा सवा मांग सुरेखा तेरी। बेटा यो हाल है। अच्छा माँ ये बात है ठीक बस यू ले माँ जल्दी है जल्दी मेरी तैयारी कर। मैं लक्ष्मण सिंह की नाड़ काटू बेटा बटन को नहीं ईब तो बोलना है नहीं हमने
बोलन का टाइम आवांगी आवागा जो बता दूं जब भूलिए अगना ये बता वह जब इतने में उनकी बरात चढ़ जाती वो तो वहाँ माइक था वहाँ से यहाँ आने के अभी अपनी माँ के हाथ पकड़ के एक और लगा देता है और कहता माँ यहाँ एक गाना है अभी मनु का जवाब कह रो संग होगी तेरे अब मनु की मुठ बे कह रो से लड़ूंगा माता दम दौड़ी ऐलान कर दूँ सिरे का देवी कारण अपनी जान भी कुर्बान कर दूँ प्रेम की देवी के ऊपर शीश का बलिदान कर दूँ कहता मैं मर गया माता माँ कह रो के गमसान कर दूँ घर की ठोड़ बटोड़ा उनका झूपड़ी उत्थान कर दूँ दूसरा समर्पण जिसा केरण में डिब्बे मान कर दूँ मार मार कर दलियो धन की मैं दूंगा खा लो दे रही कह रो संग होगी तेरे की मुठ बैठ रही नार पकड़ कर लक्ष्मण सिंह की बोझ टीटवा जीत दूंगा ऐसी बनो ब्याह उसका फेरा पर मुँह पीट दूंगा शादी में बर्बादी कर रंग में बंग छीटम छीट दूंगा मुंह पर थप्पड़ मारू शर्म जूते और फलीट दूंगा हुकूमत और राजमा तो एक भी न सीट दूंगा देख ली उन करों की मैं बड़ा ईंट के ईंट दूंगा दुनिया में कोई सुख पाया ना शेर सांप ने छेड़ ली करो संग होगी तेरे अभिमनु की मुठ मेरी शीणी का संग एक हो सगी डेढ़ लाख करोड़ माता हंसक दे वरदान मेरे दिल ने मतने तोड़ माता अर्जुन से दे नुकुल भीम की मन समझ दे ठोड़ माता उनका बदला लूंगा लूंगा दुष्टों का मुंह फोड़ माता काट काट कर करों के शर बस दुखे जाओ जोड़ माता जान गया हूँ दुष्टों का मेरा हाथ निचोड़ माता भक्त को बालन दुष्ट सारण वो कृष्ण करेंगे ना मेरी करो संग होगी तेरे अब मम्मा की मुठ बैठ रही उसका शर्पा हाथ दर्दे राजी हो पुचकार माता अब मनु के कर दे छक्कर लाड और प्यार माता के बड़ा फेर मिलेंगे एक ना तुम बेटे ये दद्दार माता कृष्ण कृष्ण रटती रहिए बेड़ा हो या पार माता दया चंद कर डोर सुनिए धर्म के प्रचार माता आवागमन लगी दुनिया में चक्कर में संसार माता जीवन मन जगत की गदा सहसा की अला गेड़ी करो संगोगी तेरे अब क्या बात है चक्की आड़ा गेड़ी यहाँ से अपनी माँ के हाथ पकड़ के एक और धक्का कर और खोल के किवाड़ और भाग लेता है गेला सुभद्रा ठहर जा बेटा करो तो न मार देंगे करो तो न मार देंगे लेकिन वो किसकी सुन बरात चढ़ कर और चली जाती है यहाँ भी गाना था जब करो की बरात चढ़ती है अड़वी बाजा बाजन ला गया नरसिंह तुरी कर वहाँ की बरात दुखी द्वारका पूरी लाखों की तादाद बरात के मानस ना थोड़े चढ़ रे करण और दुशासन दबला के जोड़े गगन चढ़ा दिया रे जनेत ने खेत खड़े तोड़े कोई चाल कोई चौकड़िया अंदर दौड़े दौड़े उड़ मारे मारे डोला घोड़े टकती ना खुरी करवा की बरात ढुकी द्वार का खुरी बरात चली जाती है अभिमनु भाग के एक पहाड़ी आ जाती है पहाड़ी में वहाँ प्यास बहुत जोर की लगी भागते भागते प्यास लगी अब उन्होंने सोचा भाई पानी भी नहीं आस पास में कहीं तो किसी मिस्त्री ने वो पत्थर काट कर और एक तलाव के ऊपर ढक रखा था और नीचे से कोई पानी लौट दे तो उस पत्थर में मालूम होता पानी यहाँ है बड़े
अब ने सोचा आन के देखा तो हाँ भाई पानी तो यहाँ है। उस पत्थर को उठाता है, उठाता है तो दोनों हाथ उसके पत्थर में भिड़ जाते हैं, दबगे और हाथ दबे पीछे जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। अब वो अपने हाथ निकाल कर और कहता है, अकरे पापी मेरे सामने आ, दुनिया तो प्याऊ लगाती है पैसे को खाते और तू पैसे को देख कर हंसता है, मेरे सामने आ। यह आवाज सुनकर कर घटोत्कच लोटिया हुआ था। अच्छा घटोत्कच था। हाँ। भाई सेवा भाई बस हाँ का बड़ा लंबा चौड़ा ढील डोला नहीं देख कर दर्जा नहीं जो आ गया। अब वो तड़क भड़क से जाता है लक्ष्मण सिंह के पास, अमीमन्नू के पास। वो उसको पकड़ के और एक दो अला धुला कर और फका देता है घटोत्कच। घटोत्कच वो एक पेड़ के जाकर भिड़ जाता है भिड़ने पे और वो मूर्छा हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। उधर क्या पीछे से सुभद्रा भागी हुई आ रही थी, भागी हुई आ रही थी और देख कर अपने लड़के के को वो उसको ऊपर पर जाती है। अकरे मैं नाचती थी तने कह रो मार देंगे, तू मत जा मत जा, क्या तेरे मर्दन भीम का बल नहीं था कि तू ऐसे मूर्छा हुआ, किस पापी ने ये तू इस दशा में पहुंचाया है। अर्जुन भीम के नाम न सुनकर वीरबानी वीरबानी आई लकड़ी की वह बीचनी लंबी चौड़ी अडम्बा। वह आने के सुभद्रा से कहती है कि बेबे मैं नहीं आऊंगा, मैंने न्यू आना पड़ा, तू अर्जुन भीम का नाम लेकर और तुम रोने वाली कौन हो ये बता दो। अच्छा डांड तुमने मेरा बेटा मारा, मैं डर नहीं हूँ लेकिन तू बता मैं बल आई उस पापी ने पकड़ कर जो जिसने इस दशा में पहुँचाया। बस वो फका फकू को उसने और अब फिर उससे सलाह पर जाकर फिर लाग लौट गया। दाना था बस जाती है वो कौन उसकी माँ घटोत्कच की। अकरे भाई तेने भाई पर जोर दिखाया, अब माँ मेरा भाई, हाँ तेरा भाई है, जल्दी से बूटी सूटी लाकर उसने रगड़ मिसड़ कर और बैठा कर वो बूटी सूटी दया पाड़ी माथे और रगड़ मिसड़ कर सूंघा पिला कर बैठा कर दिया। फिर उसका तीरा पात गया अभिमन्यु का, उसकी माँ ने पकड़ लिया। माँ पकड़ लेती है कि नहीं बेटा जब थे तुम, जब था तू एक अरे वो हो गए तुम दो, जाओ तुमने छतरानियों के सोच चुंगे हैं तो सरेका ने देख आइयो, नहीं तो हमने मुंह मुंह मत दिखाइयो। जोश भर दिया, जोश हो गया आने के वहां से घटोत्कच और अभिमन्यु भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। भागते भागते कोई जमींदार अपनी बधाई कर रहा था इनकी, वो देख कर नूले भाई
थोड़ा गाना सुन लेंगे का के कर रविदास सुनेगा के हैं गाने घटोक से बोल जा चल तू जाकर आगे देखा तो गाना था डा हाँ गाना था वो तो लगाया था मैंने वो गाना था तो आके देखा समुद्र के तट पर कृष्ण जी खड़े अब कृष्ण जी ने देख लिए दोनों हाँ भाई तोड़ फोड़ करेंगे अंतर्यामी था अंते भगवान के चरण लिए हे भगवान हमें बचाओ भाई बचा रहा क्या से न्यू करो या जो पोशाक से थारी या उतार का मन दे दो और ये सुदागरी पोशाक पहनो व्यापारी बन जाओ इस टाइम दुर्योधन की बरात खूब अपना गाड़ा माँ कांड रही है द्वारका में और दुर्योधन भी उस टाइम पर नशे में खुश था तेरा थारा पग्गा नहीं लागन देंगे तुम ये पोशाक पहनो और निकल जाओ वहाँ से भगवान कृष्ण निकाल देते हैं अब आने के देखा और उधर वो लड़की बिलबलात कर रही और बिला अभी मनु नहीं होया तो मैं अपने प्राण दे सुरेखा हाँ अब वहाँ जाकर बरात में एक नाचने वाली बलाली उसने गाना गाया छम छम चली सर अच्छा बरात में उड़ था क्यों गाना सब करने लगे अरे 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 फटकारा मार कर काट गई एक नाचन गाना बस वो मुर्गे की वो दोनों भाई लग गए करना मर गेरा दुर्योधन के कान खड़के हे ये मर्गे मर्गे की आवाज कौन करता है इनको लाओ पकड़ कर पेश कर दिए जी बिला ये करे थे मर्गे मर्गे हाँ भाई क्यों करो थे मर्गे मर्गे अब जी हम तो नहीं उनते भी मर गए भाई कारण भी होगा और कारण यो था हम तो समझ रहे थे कि भाई राजा बलराम की लड़की ने सुरेखा ने अभिमनु ब्याह आवागा और यहाँ आए हम सुदागर आदमी यहाँ आए तो मामला कुछ उलट पलट पाया कहने लग्या दुर्योधन बिला भाई पांडव का नाम लेना बंद करो मेरे लक्ष्मण सिंह की जय बोलो कहरो की जय बोलो और अपना सामान बेचो क्या क्या सामान है तुम्हारे पास हम ले लेंगे यहाँ गाना है बात बात बता दिया है ना कुकरे करते कोई बात ना हाँ भाई सामान बताओ तुम्हारे पास क्या है नुबलारा हर चीज बेचते हम सौदागर अलबेली नामी ऐश टूर मारा सारे मुल्कों में सरनाम आवागमन खरीदारों की रहती भीड़ सुबह और शाम फादे में हर चीज मिलेगी सस्ती कीमत थोड़े दाम सैन लाइट लाइफ बोई रख सुना लख समाम मार घोर कार्बोनिक जो नहाने में आता काम नीम सौ पर काल गेट से सुंदर का आ रहे मुलाम
बाल सौप से बिनका साबुन जी चाहे जी सा ले मेरा हम सौदागर अलबिल। अच्छा भाई तेल कौन सा है? अक्षमेली और अतर के उड़ा अमला और जुल्फे बंगाल कंथर और दिन कच्ची गाणी क्रास ट्रेन से बढ़ते बाल कोकोनट रात की रानी जिसकी खुशबू स्तम कमाल पेटी कोट जम्फर साड़ी काली पीली हरी और लाल चप्पल चप्पल सूज खड़ी एडी के पर जा खुशनयाल घड़ी बैटरी फाउंटेन पेन और पक्की पनस ने जे साथ सूट केस और कंगे शीशे हाइंड बैग और थैले रहे और चीज बेचते हम सौदागर लाठी सांगोल गदा को अड़े जिन पर छ उंगल की दार बल्लम बाले बनट बरछी बल्लम बरछी चाकू छरी और तलवार तोबर फल और पिस्टल बेचा जिसकी सौगत तक जामार अगन बोट और जा समुंदरी रोप लैन पर चढ़े सवार ऊंट डकैती जलियर घोड़े जो दरिया न करते पार तंगे रक्षा अर्थ मंजोली फिट फिट लारी जी कोर कार जय इंद साइकिल जोर शोर हर कुलश फलस और वे ले रहे और चीज बेचते हम सोता घर और बेचते बिस्की जीन और अच्छा भाई शराब कौन सी ले रहे हो? शराब की सुन लो साहब विश की जीन और वीर मरंडी माल्टा और रम शराब अमरीका और रूस जर्मनी नंदन तक के पीते साहब आठू पैर नशे में रहते राज्य सुबह और नवाब वेद शास्त्र बतलावा वेद शास्त्र के हराड़ा वेद शास्त्र पुस्तक पोथी और गाने की दिखें किताब दक्षिण और बंगाल भूटानी यूपी सीपी और पंजाब हरियाणा के छंद भजनिए एक बढ़कर देख जनाब ये दया चंद छंद टैप करें गुरु मुंशी राम के चेले रह और चीज बेचते हम सोला घर पर अच्छा इसमें एक सोचने की बात ये है कि जो चीज खत्म होगी उन्हें बता दिए तो जैसे जय हिंद साइकिल साइकिल का नाम था हाँ ये इसमें देखो ना जय हिंद साइकिल हरकुलिस जय हिंद साइकिल जय हिंद साइकिल जोर शोर और कुलश रेले भी नहीं आती वे रेले ही बंद हो रही है रेले रेले भी साइकिल थी एक रेले हाँ वहाँ भी नहीं आती बताइए पूरे नाम जय हिंद हरकुलिस ये बस रही है बस जय हिंद साइकिल जोर शोर की हरकुलिस और रेले विस्की जीन और बियर ब्रेंडी माल्टा और रम शराब मतलब ये जो साइकिलों के नाम लिए हैं इन मतलब सिर्फ एक हरकुलिस है ही हरकुलिस है और से मेरी अटपटारी है बोलो ये पुरानी जो दीप जैसे जय हिंद साइकिल ये नाम पर लगना रखे ने और रेलवे हाँ, रेलवे साइकिल बंद हो रही है फैक्ट्री ये बंद कर दी हुई थी तो वो उड़े के करण बढ़ रहे थे वो बचन बढ़ रहे थे मरण बढ़ रहे थे बचन बढ़ रहे थे वो जाके नुबला भाई ठीक है द्वारका में हमारे जयकारे लगाओ लक्ष्मण सिंह के और कैरों के पांडव कैरों की जय बोलो और थारा सामान हम सारा ले लें ठीक है जी हमने सामान चाहिए हमारा सामान बिक गया वो जाकर कहाँ बागों में छुप जाते हैं दोनों भाई टॉक्चर अभिमन्यु छुप जाते हैं अब लड़की को बता दिया जाता है आके वे अभिमन्यु नहीं बया नहीं आ रहा लक्ष्मण सिंह आ रहा है दुर्योधन का लड़का अब अच्छा ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं होगा वहाँ से ऊपर चढ़ गए अपने हे परमात्मा भगवान ऐसी आवाज़ छोड़ दी वो पर्ची लिख लिख कर और वहाँ रवाना करती रही बाग की तरफ बस उधर से क्या बुलावा आ गया लड़की का फेरे
पर फूल फाल को भाई फूल जाओ वो 15-20 बस एक छोरी भेज दी जा बीबी बागा माट फूल जाओ तोड़ कर वहाँ जाके हमारा गाना था वो कैसे सॉरी बागम जा वो ते गाना खाने दिलदार दिलो के प्यारे पे हाँ वो तो दोड़ा पाँच हाँ हाँ यो ही गाना करे दिलदार दिलों के प्यारे पे परवाना लिखती हूँ बचपन के प्यार मोहब्बत का अफसाना लिखती हूँ दिलदार दिलों के प्यारे पर परवाना लिखती हूँ बचपन के प्यार मोहब्बत का अफसाना लिखती हूँ अच्छा नाना ना बस यो गाना है यो ही सही आखिरी गाना समझी ना लड़की अपना परवाने लिख लिख कर और भेजती अब वहाँ जाकर कैसे दिलदार दिलों के प्यारे पर परवाना लिखती बचपन के प्यारे मोहब्बत का अफसाना लिखती हूँ अफसाना लिखती हूँ दिलदार दिलों के प्यारे पर परवाना लिखती हूँ बचपन के प्यारे मोहब्बत का अफसाना लिखती अफसाना लिखती अभिमन्यु तम चंद्र मास मैं पूर्ण वशी रो रो नीर बाती अखिया दर्शन की प्यासी दर्शन की प्यासी अपना मरने जगत की आशी अपना मरने जगत की आशी ओ गाना लिखती बचपन के प्यारे मोहब्बत का अफसाना लिखती अफसाना लिखती प्रेम की भिखारन ने दर्श का दाम प्रेम की भिखारन ने कुछ कुछ दर्शन का दाम प्रेम की भिखारन दर्शन का दान कर बनी हम पर एहसान कर हम पर एहसान कर चोरी चोरी हानि कर चोरी चोरी आन कर मिल जाना लिखती हूँ बचपन के प्यारे मोहब्बत का अफसाना लिखती हूँ अफसाना लिखती हूँ मेरे भाग में दुख से सुख से द्वारका बस्ती सरे बाजार
सोए कदती डो देल्या सस्ती डो देल्या सस्ती अस्ती नहीं रोने का अस्ती नहीं रोने का बांधा लगती बचपन के प्यारे मोहब्बत का अफसाना लगती हूँ अफसाना लगती जय हिंद और नमस्ते लगती हाथ जोड़ी प्रणाम सारी दुनिया जान से इस दयाचंद का नाम दयाचंद का नाम तेरी मदद में राम गाम ओ तेरी मदद में राम गाम संग मांगा लिखती बचपन के प्यार मोहब्बत का अफसाना लिखती हूँ लिखती हूँ वहां से जाकर और नून डेरा भेज दिया के भी लियाओ लड़की ने फेरा और लड़की सुरेखा जी गाना गाती हैं टीका गाती हैं जब लक्ष्मण सिंह की शादी और गाने लगी एक टीका तो गाओ मारे राय लक्ष्मण सिंह का टिकट गाओ मारे राए रतन सिंह का छल बदन सिंह का इस शुभ दिन दिखाया मारे राम टिकट गाओ मारे रतन सिंह का छल बदन सिंह का किस सुबह दिन ओ बुकल खोल गए हिरना भी करो इन बाता का नैना भी करो इन बाता का नैना भी ब्याह शादी करना भी एक जीतना है ओ सजम का जीतना है ओ सजम का अंश कर लो इस काम टिकट गाओ मारे राहे रतन छल बदन सिंह का किसा सब दिन दिखाया मारे राम इसी से मारे राजा की पुत्री
जुन तो कोई ऊर अरस तई उतरी जुन तो कोई ऊर अरस तई उतरी बनी भी बताई सुतरी बन्ना मार छला बंका बन्ना मार छला बंका किसा सूरज साल करिया मुख साम ये टिकत गाओ किसा सो बदन देखाया मारे ओ टप टप बोल तक से गिणगी घुट के बात भांग सी छणगी ओ घुट के बात भांग सी छणगी भगीरथ की भगती बनगी आना हो गमाई गंगा आना हो गमाई गंगा सब धाम से ओस धाम ये टिकट गाओ मारे किराए रतन सिंका छल बदन सिंका किस सुबदन देखाया मारे ए दाम गीत जोड़ के गयो खूब हंसी हंसी के ब्रात चढ़ाइयो खूब हंसी हंसी के ब्रात चढ़ाइयो भजनी भी लइयो कोए दया चंद के से डंका दया चंद के से डंका साई दिया वो मान गा काट गो मारे रतन सिंका छल मदन सिंका कि ससो वेदन दिखाया मारे राम कहती बेटा तेरे एक शरीर का नहीं मैं सौ सुरे का दह दूंगी लेकिन ये भी रोक लिया अभी हाँ मेरी बात सुन अब मनु कहता है माँ जल्दी से मेरे इंतजाम करो अभी मनु का जवाब और कह कहता है बांध कांगना डोरा मेरे बान कर दे माँ मेरी बेले बन ले कैसी सूरत शान कर दे माँ बांध कांगना डोरा मेरे बान कर दे माँ मेरी डाले बन रे कैसी सूरत शान कर दे माँ मेरे मुख पे मरमट चीत माता गीत गा के बेटे की शादी का चागना हो से माँ के पाटला बिछा के मेरे
स्नान कर दे माँ, जोड़ा शादी में होश त्यार समान कर दे माँ, बांध कांगना डोरा मेरे मान कर दे माँ। मेरी प्याले बंदे कैसी सूरत शान कर दे माँ, आरी अमलबी कंडूस कोना और की तरह गणा नहीं हो सकता तो कुछ थोड़ा धर्म करा, दो चार ब्राह्मण बोला घरा, दो चार ब्राह्मण बोला घरा जलपान कर दे माँ, कुछ भूखे लोग गरीबान पुन दान कर दे माँ, बांध कांगना डोरा मेरे बान कर दे माँ, मेरी ब्याले बनड़े कैसी सूरत श्यान कर दे माँ। मैं अर्जुन का बेटा सुना दूध लजाऊ माई का, लक्ष्मण सिंह से बदला लूंगा मांग सगाई का, उन कैरों से लड़ाई का ऐलान कर दे माँ, भगतों के कारज नशद भगवान कर दे माँ, बांध कांगना डोरा मेरे बान कर दे माँ, मेरी ब्याले बन दे कैसी सूरत शान कर दे माँ। दिक्कत का बुंदा सुंदा बेरूप क्रूप में सदा काम करे ओड़े दौड़े कर लिए धूप में, श्री दया चंद बेकूप में, श्री दया चंद बेकूप में गुरु ज्ञान कर दे माँ, दे अच्छी शिक्षा सीख ठीक तुक तान कर दे माँ, बांध कांगना डोरा मेरे बान कर दे माँ, मेरी ब्याले मुरले कैसी सूरत शान कर दे माँ। हाँ चोकली है भगवान कृष्ण कहते हैं कि जा बेटी जो तेरे नाम का बाग है इसके अंदर है भी मनु, वहाँ पर तो ना भी मनु मिलेंगे, वहाँ लड़कियों को देकर फूलों फूलों के ब्याह में निकल जाती है। अब वहाँ लड़की का बलावा हो गया, दाओ ये लड़की ने फेरा पे फेरा पे लड़की हो दाओ, अब वहाँ जाकर वो फूल फाल लगी तोड़ो, अब मनु मिल गया कहने लगे कहाँ, अब तुम्हारे पर बैठे तोड़ो मैं गया, तुम बात भी होगी बस वहाँ जाकर कटोक्ष बोला कि सुरेखा हाँ कहाँ जी, ये लगते जो आप पैर नहीं हो ये मन दे दो मैं पैरूंगा,
और ये मेरे वस्त्र आप पहन लो और यहाँ भाई के पास रहो, ठीक है। मैं उनका काम ठीक कर कहूँगा, मेरे ऊपर छोड़ दो। वहाँ से लड़कियाँ की गेट गटोक श्रीका का जो सूट था वो पहन कर, हाँ जो भी थी साड़ी थी रड़ मिलकर लड़कियाँ आ जाता है। नून अभिमनु और श्रीका वहाँ रह जाते हैं बागों में, बस वो ऐसा कुछ यारी का काम जाना था शेर दे दे दिया बुलावा के भेज दो भाई मामा ने लड़की ने ले जाएगा। और वो मामा पहुँचा, ये मामा नो उठाया था के मोर दे दी दाद वो के उठो था यम फिर तो मामा की कड़ी में बल घेर दिया निवले छोरी से के पत्थर बजा के गदड़ दे ही नोड़ मारे लो भाई ये लड़की छोरी आ गई लक्ष्मण की जड़ में बैठा लिया बैठा दिया। हाँ जी बोला फेरे शुरू करो। अब उसने घटोक ने के करे लक्ष्मण कर नहीं तो हटा गया थोड़ा पर्दा और लोग दिया मुँह से लगा दी बस लक्ष्मण तो छोड़ गया चौकी ने बोला बाबू मैं नहीं लगता इसकी गेल फेरे बोला जी देखो आपका लड़का कितना बुझ दिला है ये फेरे भी नहीं लेता जब दुर्योधन जोश में होकर चल नाला फेरे ले बोला पिताजी मेरी गुंजाइश को तो ले ले दुर्योधन गलता बलराम ये क्या है ये लड़की नहीं ये के मैं और छोड़िए तो रच रहा है बस मैंने पंडित जी बहुत देना मंत्र साइड साइड अब पंडित जी ने मंत्र बोल कर सोवा कर दिया वाह लोग ले जाओ अपनी अब पाकड़ के वह ठाक वो सारी शाम गिरी और पाकड़ के पंडित जी की बम और ओ बाजा जो कुछ भी लग दिखता भी नहीं लग चांदो साल की था ये पंडित जी का भी जाग गढ़ा लगता कदे नहीं कदे नहीं जाकर बाग में और अमन के सुरेखा के पंडित जी ने रोड़े ले गया था कूड़े ब्याह करवाऊंगा हाँ रोड़े करवाऊंगा पंडित जी शायद देने फेरे कर दे ना तो नू जाने लिए के ताड़े में बेरा किटी छोड़ दूंगा दे जा बेटे ईब करे ईब करे थारा काम भाई इतने मैं द्वारका की फौज नू दुर्योधन की फौज बस आने कर आने दी हाँ बोला ये कृष्ण बोला ठहरो भाई क्या सीन सुनन का है यो सीन क्या बात जी फेरे हो लिए फेरे हो लिए बोला ये हम के करा हमने के बेरा भाई लड़की मारो और कसर फेरे तो दी हो तुमने ज्ञान करो भाज जाओ ये बिना ठाटा की जने कोई किटे गो कोई किटे गो कोई किटे गो और घटोक चल अभिमन्यु उसको देखाते हैं सुरेखा को अंदर पस्त वहाँ अकाजा माँ अपनी बहू रानी को बहन से उठा
वड़ो गाँव फिट कर दिया ते हे बहू रानी तड़ बलता है हे बहू रानी वो ध्यान में कौन है एक आधी कदी आ जाए फिर क्या हुआ वो बसते हैं घसते हैं फिर अपन या आन का कथा समाप्त पीस बदलने भाई पीस बदलने सूर्य का जो थी ये बलराम की पहली पत्नी थी उसकी सॉरी अभिमन्यु की हाँ और इसको महाभारत में दिखाया नहीं जाता हाँ क्योंकि इस तरह शायद उसको कोई संतान नहीं थी और ये उसके मामा की ये छोरी थी बलराम की मतलब अभिमन्यु का मामा था बलराम हाँ ये अड्डा शड्डा मत सारी थी पर आज भी नूर डेढ़ में ब्याह करे हाँ हो जाए कर गए दूसरा पीस चला दूसरा पीस चलाएगा हाँ वो दो भजन कुआ आए ना।